हाय फ्रेंड्स, माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र हैं, नागरिक के सामान्य अस्पताल हैं, उन सभी के बारे में इस टॉपिक में कवर करवाने की कोशिश की गई है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, निम्न में से कौन से स्वास्थ्य संबंधी विभाग का जो मुख्यालय है वो पंचकूला के अंदर नहीं है। तो इनमें से पंचकुला के अंदर ही कौन से विभाग का मुख्यालय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला भाई हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी राज्य के अंदर जो छोटे बच्चे हैं भाई उनके जो संरक्षण का जो जिम्मा है वो इस आयोग के पास है, जिसका नाम है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये कहाँ पर है? तो ये पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पर है ये? पंचकुला। हरियाणा राज्य बाल सुरक्षा सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी कहाँ पे हैं? तो ये भी पंचकुला के अंदर है। तो ये तीनों के तीनों तो कहाँ पे हैं? पंचकुला के अंदर हैं। लेकिन जो चौथा है ना, वो इस प्रश्न का आंसर है लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड। ये लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड है ये कहाँ पे है? तो ये है भाई पानीपत में। कहाँ पे है ये? पानीपत में, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड। तो ये किस जिले के अंदर है? पानीपत के अंदर है। एक बात और याद रखना भाई, ऑनलाइन लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, यानी इसके अंदर जो सारा सिस्टम चलता है ना वो क्या चलता है भाई? ऑनलाइन चलता है। क्या चलता है? ऑनलाइन। और एक बात और याद रखिएगा, ऑनलाइन लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड सर्जित करने वाला, यानी इसे स्थापित करने वाला, ये क्या है? देश का पहला जिला है भाई। देश का प्रथम या पहला जो जिला है वो कौन सा बना है? पानीपत, जिसने ऑनलाइन लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड को क्या की है? स्थापना की है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो पानीपत के अंदर है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो हरियाणा का पहला जो वन स्टॉप सेंटर है ना वो कहाँ पे खुला था? तो ये खुला था भाई पहला करनाल के अंदर। और करनाल में ये कब खुला ऐसे पूछे तो जुलाई 2015 में। कब खुला था भाई? जुलाई 2015 में। और ये वन स्टॉप सेंटर है ना, ये किसके लिए भाई? ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए। किन के लिए भाई? महिलाओं के लिए, यानी स्त्रियों के लिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए। और ये केंद्र सरकार की किस योजना के तहत है? ये योजना है भाई सखी योजना। किस योजना के तहत है ये? सखी योजना के तहत है। इस वन स्टॉप सेंटर की हरियाणा के अंदर जुलाई 2015 में स्थापना की गई, और ये हरियाणा का क्या था भाई? पहला था। और इसके साथ ही ना, जब ये खोला गया पहला वन स्टॉप सेंटर, तो जिले जो राज्य है हरियाणा उसके अन्य 7 जिलों में भी घोषणा की गई इसे खोलने की, लेकिन वो आज तक बने नहीं है भाई। 7 जिलों के अंदर भी ये वन स्टॉप सेंटर खोलने की क्या की गई थी? घोषणा। कौन कौन से भाई? करनाल, गुरुग्राम, करनाल में तो खुल ही गया। अन्य जो जिले हैं ना वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ के नारनौल में खुलेगा, रेवाड़ी, हिसार और भिवानी, ये घोषणा की गई। लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ सके आज तक ये बात। सिर्फ एक खुला पहला करनाल में, और अभी पीछे ही भाई 2020 में कैथल में भाई दूसरा वन स्टॉप सेंटर हरियाणा का दूसरा वन स्टॉप सेंटर कहाँ पे खुला है? तो कैथल में खुला है। कब खुला है? 2020 में भाई। और ये जो वर्तमान में अपनी महिलाएं बाल विकास मंत्री हैं, कौन है? कमलेश ढांडा जी, जो कलायत से विधायक हैं, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो हरियाणा का पहला जो वन स्टॉप सेंटर है वो कहाँ खोला गया है? तो करनाल में, और दूसरा पूछे तो कैथल में भाई। अगला, स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भाई 1 नवंबर 2003 को, और ये बहुउद्देशीय योजना थी। तत्कालीन जो सीएम थे, कौन थे तत्कालीन सीएम भाई उस दौरान? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इनके बारे में क्या है भाई? ये हरियाणा के सर्वाधिक बार सीएम बने हैं भाई।
पांच बार, सर्वाधिक बार सीएम बनने वाले व्यक्ति ओम प्रकाश सिंह चौटाला। और हरियाणा का एक मात्र सीएम भाई जिसका व्यापार किसका था, घड़ियों का व्यापार था, जिसका घड़ियों का व्यापार था। तो ये आप याद रखना, 1 नवंबर 2003 को भाई। इसके बाद अन्य ऑप्शन की हम बात करें, जैसे कि पहले ऑप्शन को उठाएं हम 9 फरवरी 2004, तो इसको योजना लागू की गई भाई वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे ये वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम का नाम है तो देशभक्ति से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ये किसके लिए भाई, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है भाई, टीकाकरण से जुड़ी हुई, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से जुड़ी हुई। इसकी शुरुआत हुई थी भाई कब, 9 फरवरी 2004 को, वंदे मातरम योजना। और ये वंदे मातरम योजना HSSC के द्वारा पीछे जो प्रीवियस एग्जाम हुए ना उनमें 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना। एक अन्य ऑप्शन और है भाई 12 अप्रैल 2005, तो 12 अप्रैल 2005 को क्या हुआ था भाई, तो 12 अप्रैल 2005 को एक और योजना भाई जो राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत ना हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में माता को घर पर 500 रुपये प्रसव कराने और संस्थागत प्रसव कराने पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो 700 रुपये और शहरी क्षेत्र में 600 रुपये इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और एक बात और, अनुसूचित जाति के परिवारों को संस्थागत, संस्थागत का मतलब यहाँ पे आप समझना भाई, घर पर न होकर के किसी अस्पताल के अंदर प्रसव करवाना, यानी बच्चे को जन्म देने का, इसके प्रोत्साहित करने प्रत्येक गर्भवती महिला को, अनुसूचित जाति की गर्भवती महिला को 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को। एक ऑप्शन और है भाई 20 अगस्त 2005, इसको कौन सी योजना, तो इसको हुई थी भाई महिलाएं बाल विकास द्वारा लाडली योजना भाई, 20 अगस्त 2005 को लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। और 20 अगस्त 2005 या उसके बाद किसी दंपत्ति को दूसरी पुत्री पैदा होने पर 5 वर्ष तक 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं भाई इस योजना के तहत। किस योजना के तहत, लाडली योजना के तहत क्या है, 20 अगस्त 2005 या उसके बाद किसी दंपत्ति को दूसरी पुत्री, यानी पहले से एक पुत्री और दूसरी पुत्री पैदा होने पर अगले 5 साल तक 5000 रुपये प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात को रोकना था। तो अपना क्वेश्चन क्या था भाई, स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1 नवंबर 2003 को हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, यानी बच्चों के अंदर जो कैंसर की समस्या है ना उसके लिए पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, ये इसकी घोषणा की गई भाई पीछे ही, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा भाई चंडीगढ़ में। कहाँ पे बनेगा ये, चंडीगढ़ के अंदर। तो ध्यान रखना, चंडीगढ़ जिसका वास्तुकार कौन था, ली कार्बुजियर, और चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक जहाँ पे क्या है भाई, माँ का दूध, ये मदर मिल्क बैंक हरियाणा का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया भाई PGI रोहतक में, PGIMS इसका पूरा नाम है भाई, PGIMS का फुल फॉर्म पूछे ना तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये किसी, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे है भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे ये PGI रोहतक, और ये हरियाणा की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है भाई जो सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। PGI रोहतक की जो स्थापना है वो एक कॉलेज के रूप में 1960 में हुई भाई, 1960 में एक कॉलेज के रूप में PGI रोहतक की। और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा पूछे तो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था भाई इसे 2008 में, यूनिवर्सिटी का दर्जा 2008 में मिला भाई इसे, PGI रोहतक को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, 2008 में मिला। तो पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, PGI रोहतक के अंदर स्थापित किया गया। मैं अन्य ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे, ये है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कॉलेज, ये विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, और इसका दूसरा नाम आयुष विश्वविद्यालय भी आ सकता है। इसकी कॉलेज के रूप में तो स्थापना हुई थी भाई 1995 में कॉलेज के रूप में, बाद में ना इसे किसका दर्जा दे दिया गया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया भाई, श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक
विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई ये, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला भी है, यानी औषधियों का जो परीक्षण होता है ना वो प्रयोगशाला भी कहाँ पे है, इसी के अंदर है, श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अंदर। अगला ऑप्शन है तीसरा भाई, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज ये करनाल के कुटेल गांव में है। कौन सा गांव भाई? कुटेल, कुटेल गांव करनाल के अंदर ये, और ये 2017 में स्थापित किया गया भाई। कल्पना चावला मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज 2017 में कुटेल गांव करनाल में। एक ऑप्शन और है भाई इसमें, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये भगत फूल सिंह ये जो महिला महाविद्यालय है, उत्तर भारत का पहला महिला महाविद्यालय है, तो इसके अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इसके अंदर मेडिकल, इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा तो पूरे को है ना, जो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बना था 2006 में, 18 अगस्त 2006 को। लेकिन यहाँ पे भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई ना, वो की गई थी भाई 1 मार्च 2009 को। तो इसका शिलान्यास किया गया भाई यूपीए अध्यक्ष, नहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी के द्वारा 1 मार्च 2009 को इसका शिलान्यास किया गया। और इसमें कार्य करना, कॉलेज के रूप में कार्य करना शुरू कब कर दिया भाई? तो 1 सितंबर 2011 को, 1 सितंबर 2011 को इसने कॉलेज के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में कार्य करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा सरकार ने बजट 2020-21 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई? तो पीछे हरियाणा सरकार के द्वारा बजट घोषित किया गया भाई 2020-21, इसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई? तो इसमें 3 नए मेडिकल कॉलेज भाई, और ये कहाँ पे बनेंगे? कैथल, सिरसा, कैथल, सिरसा और यमुनानगर भाई, कैथल, सिरसा और यमुनानगर। और ये जो बजट 2020-21 है ना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और एक बात याद रखिएगा, पहली बार मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री होने के नाते किसी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहली बार क्या किया है, बजट प्रस्तुत किया है। और ये पहली बार बजट किसके द्वारा? टैब के द्वारा भाई। तो हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार टैब द्वारा बजट भी कौन सा प्रस्तुत हुआ है? बजट 2020-21। तो इसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा की गई? 3, कैथल में, सिरसा में और यमुनानगर में भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में एम्स 2 कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जो एम्स 2 है ना हरियाणा के अंदर, ये क्या है भाई? देश का यानी भारत का सबसे बड़ा, भारत का यानी देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है भाई, भारत का या देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कौन सा है भाई? जो एम्स 2 हरियाणा के अंदर है। और ये एम्स 2 जो हरियाणा के अंदर है ना, वो कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो ये बाडसा के अंदर है भाई। कहाँ पे है? बाडसा। और ये बाडसा पड़ता कहाँ पे है? तो बाडसा पड़ता है भाई झज्जर में। बाडसा कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। तो बाडसा झज्जर में एम्स 2 स्थापित किया गया, जो देश का सबसे बड़ा क्या है? कैंसर संस्थान है। अब ये तो हो गया भाई, इसका जो शिलान्यास है, इसकी शुरुआत, शिलान्यास तो कब हुआ इसका? 3 जनवरी 2014 को, 3 जनवरी 2014 को शिलान्यास हुआ इसका, यानी ये बनना शुरू हुआ भाई 3 जनवरी 2014 को। अरे यहाँ पे बात करें ना, तो इसका उद्घाटन, उद्घाटन यानी बन के जब ये तैयार हो गया, इसकी ओपीडी का जो उद्घाटन है वो फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाई, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन फरवरी 2019 में एम्स 2 का भाई। अन्य ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो मानेसर के अंदर क्या है? राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो वो कहाँ पे है? मानेसर गुड़गांव के अंदर है भाई, राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर जो कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है।
एक अन्य ऑप्शन है इसमें भादुरगढ़, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, सैनिटरी उद्योग के लिए भादुरगढ़ क्या है, प्रसिद्ध है। और भादुरगढ़ के अंदर गोरैया पर्यटन स्थल भी है। भादुरगढ़ को राठी जाटों के द्वारा बसाया गया था। तो भादुरगढ़ के अंदर ही हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा हॉस्पिटल में, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, ये भादुरगढ़ के अंदर बनेगा भाई। हरियाणा सरकार द्वारा क्या है, ये प्रस्तावित है भाई, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, जो कहाँ पे बनेगा, भादुरगढ़ के अंदर बनेगा। नलड़ ये कहाँ पे पड़ता है, नू यानी मेवात, नलड़ कहाँ पे, नू मेवात। यहाँ पे क्या है, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है भाई, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। तो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज तो वो कहाँ पे है, नल्लड़ के अंदर है भाई। कहाँ पे है, नल्लड़। 2013 में ये स्थापित किया गया। नल्लड़ कहाँ पे पड़ता है, तो नू में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है, नू में। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की शुरुआत। तो ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई, तो वो हुई थी भाई 2 मई 2015 को भाई। कब हुई थी, 2 मई 2015 को। और ये ऑनलाइन जन्म पंजीकरण को जो लागू करने वाला भाई, ये लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम, हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना भाई। लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना था, हरियाणा। कौन सी, किसे भाई, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत करने वाले। और कब हुई, 2 मई 2015 को हुई थी भाई। अन्य ऑप्शन की हम बात करें, जैसे कि इसमें 31 मार्च 1992 है, इस तारीख को है ना, इस तारीख को हरियाणा के जो सभी गांव में कम से कम एक स्वच्छ पेयजल स्रोत, यानी उस पूरे गांव को साफ पीने का पानी मिले, तो उसे स्वच्छ पेयजल स्रोत प्रत्येक गांव के अंदर उसकी जो स्थापना हुई वो कब तक हो गई थी भाई, 31 मार्च 1992 तक वो शुरू हो गया था भाई। फिर है भाई एक ऑप्शन और है, राजीव गांधी, सॉरी 1 अप्रैल 2011, तो इसको राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना ये लागू की गई भाई केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2011 को। इसके अंदर क्या, ये पूरे भारत के अंदर है ना, 1 अप्रैल 2011 को पूरे भारत के 202 जिलों के अंदर ये क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना का शुरुआत में है ना, 11 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरियों को इस योजना में क्या किया गया, शामिल किया गया। बाद में यानी वर्तमान में इसे दो चरणों में विभाजित किया गया, एक तो 11 से 14 वर्ष तक और दूसरा 14 से 18 वर्ष तक। तो यानी इनके पोषण का है ना पूरा ख्याल रखना इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, पोषण का ख्याल रखना, खाने पीने का, और दूसरा भाई इनकी शिक्षा का भी ध्यान रखना। और ये वर्तमान में हरियाणा की 6 जिलों में संचालित है भाई। कौन सी योजना, हरियाणा के 6 जिलों में है, तो राजीव गांधी महिला सशक्तिकरण योजना हरियाणा के 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से हैं, तो 6 जिले पूछे ना, तो अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, कैथल और यमुनानगर भाई, कैथल और यमुनानगर, इन 6 जिलों के अंदर ये शुरू है अभी वर्तमान में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का पहला सिविल हॉस्पिटल जहां हृदय रोगियों को स्टंट सुविधा दी जा रही है, यानी हृदय रोगी है ना उनके लिए बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा का पहला सिविल हॉस्पिटल कौन सा बन गया है, तो हरियाणा का पहला सिविल हॉस्पिटल बन गया है भाई अंबाला सिविल हॉस्पिटल। कौन सा बन गया है, अंबाला सिविल हॉस्पिटल। HSSC के द्वारा 2-3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हृदय रोगियों को स्टंट सुविधा दी जा रही है, तो कहां पे दी जा रही है, अंबाला सिविल हॉस्पिटल में। PGI रोहतक की बात करें तो
ये 2008 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। कॉलेज के रूप में 1960 में स्थापना हुई इसकी। एक है ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज, तो ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज हरियाणा में कहाँ पे है, तो अग्रोहा में है। अग्रोहा कहाँ पड़ता है भाई, हिसार में। और इसकी स्थापना पूछे तो 1994 में, 1994 में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी उच्च जोखिम गर्भावस्था, उच्च जोखिम गर्भावस्था है भाई ये, थी नहीं है, गर्भावस्था। पोर्टिक कब लॉन्च किया गया, तो उच्च जोखिम में गर्भावस्था पोर्टिक कब लागू किया गया, इसके बारे में बात करें हम, तो ये किया गया भाई जनवरी 2018 में। कब किया गया, जनवरी 2018 में। और ये पोर्ट नहीं है, पोर्टल है भाई, ध्यान रखिएगा, हाई रिस्क के प्रेगनेंसी पोर्टल। तो ये हरियाणा सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के द्वारा लागू ये मतलब लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 के अंदर भाई। और इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला, लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है भाई, हरियाणा देश का पहला राज्य है। हाई रिस्क के प्रेगनेंसी पोर्टल को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है भाई, तो ये भी आप याद रखना भाई। अन्य दो तीन क्वेश्चन और हैं भाई, मैं वो इनको आपको इसके अंदर ही करवा देता हूँ। मैं दो तीन क्वेश्चन और हैं मतलब स्वास्थ्य से जुड़े हुए। एक तो है पहली, हरियाणा के अंदर पहली आरोग्यम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा ये इजराइल के अंदर है भाई, तो हरियाणा में भी ये शुरू की गई। तो हरियाणा में कहाँ पे शुरू की गई, ये पहली ये मोरनी में भाई, मोरनी जो एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा का, मोरनी के अंदर। मोरनी पड़ता कहाँ पे है, तो पंचकुला के अंदर, जहाँ पे पहली आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा क्या की गई है, लॉन्च की गई है भाई। एक और टीबी के जो मरीज हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में, टीबी के मरीजों को फ्री दवा के साथ साथ क्या दिया जा रहा है भाई, यात्रा भत्ता, कितना, 500 रुपये के रूप में यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। इसके बाद देश का पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट भाई, देश का पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट यानी पौष्टिक आहार जहाँ पे मिले, ये देश का पहला, तो ये कहाँ पे खोला है, जीरकपुर में। और जीरकपुर कहाँ पड़ता है भाई, पंचकुला में, जीरकपुर पंचकुला के अंदर ये पड़ता है, जीरकपुर पंचकुला के अंदर ये पड़ता है भाई, पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट। और ये किस कंपनी के द्वारा, तो पतंजलि ट्रस्ट के द्वारा, जो योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि द्वारा ये स्थापित किया गया है। एक और भाई, हरियाणा के अंदर 100 एकड़ में फार्मा पार्क कहाँ पे बनेगा, तो करनाल के अंदर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, करनाल में बनेगा भाई। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद भाई।